तो कैसे हैं आप लोग मेरे मिशनरी साथियों, कैसा चल रहा है बहुजन मूवमेंट? अभी बहुत सारे बहुजन के लोग बिजनेस में आए हैं, बिजनेस कर भी रहे हैं, लोगों को बिजनेस करा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बिजनेस फेल हो रहा है। और ज़्यादातर जिन लोगों का फेल हो रहा है वो लोग कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं किस वजह से फेल हो रहा है। बहुत सारे लोग बिजनेस करके लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, पैसा डूब जा रहा है। इसका कारण क्या है? कभी कारण ढूंढने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। जब आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ते हैं तो आपको कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। पहला, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कितने हैं और वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। पता चला बैकग्राउंड में कोई लुटेरे तो नहीं थे? अगर ऐसा है तो उनका हिस्ट्री कंगालिए, किससे पहले वो लोग क्या करते थे। दूसरा पॉइंट, जब आपको पता चल जाए कि उनका बैकग्राउंड सही था तब उनके साथ जुड़िए। अगर उनका बैकग्राउंड सही नहीं है तो उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? पैसा आपका डूबेगा ही डूबेगा। ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं ना। फिर उस कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हैं, वो बोलते हैं कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, 10 दिन में 5 दिन में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप पैसा भेज देते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, आपको पता ही नहीं प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, आपके एरिया में बिकने लायक है कि नहीं है। फेसबुक पे यूट्यूब पे आपने देखा, हाँ डिज़ाइन ये है, किसी ने प्रमोशन कर दिया किसी भी प्रोडक्ट का, आप लोगों ने ले लिया, 1-2 लाख आपका फंस गया, आपसे बहुत सारे चार्जेस की फ़ीस मांगी जाती है, ये फ़ीस दे दीजिए, वो फ़ीस दे दीजिए, डॉक्यूमेंट फ़ीस दे दीजिए, प्रोसेसिंग फ़ीस दे दीजिए, तरह तरह की फ़ीस लगा करके आप लोगों से जो है लाखों रुपये ठग लेते हैं ऐसे ऐसे लोग। अब एक बात आप बताइए, क्या कभी आपने उस कंपनी के लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया कि वो लोग क्या करते थे पहले, अब क्या कर रहे हैं, इन लोगों के साथ जुड़ा जाए कि नहीं जुड़ा जाए? उन लोगों का टर्नओवर देखिए कितना है, जहां उन लोगों ने कंपनी लगाई उस एरिया में उनका माल बिक भी रहा कि नहीं बिक रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप एजेंसियाँ लेना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप ये पहले मालूम करिए कि उन्होंने जिन लोगों को फ्रेंचाइजी दिया है उन लोगों से आप संपर्क करिए किसी तरीके से और बात करिए। अगर वो उसको समझा देते हैं कि तुम्हें फ़ोन आएगा ऐसे ऐसे बता देना, उसके आसपास के कस्टमर जो उनसे पता करें इसका प्रोडक्ट कैसा है, कैसा बिकता है, ये थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का पैसा है भाई, ऐसे ही किसी को 1-2 लाख रुपए उठा करके नहीं दिए जाते हैं। हमारे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सावधानी बिजनेस के मामले में बहुजन जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार फेल क्यों हैं? बहुत सारे लोग आपको रोजगार देने के नाम पर ठग लेते हैं। अरे भैया, आप उनसे पहले पूछो, इन डॉक्यूमेंट मांगो कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। जो लोग आपको देने की बात कर रहे हैं उनसे पूछो, ऑन पेपर मांगो कितने लोगों को दिया, जरा बताओ। बहुत सारी कंपनी चल रही है, बताती हमारे पास 50 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, 500 प्रोडक्ट है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके टर्नओवर की बात करो, उनके बिलिंग देखो, किस जिले में कितना माल बेचते हैं, सालाना महीने का कितना बिक रहा है, सालाना कितना भी कितने प्रोडक्ट है, उनकी क्या क्वालिटी है, रिव्यू क्या है, कस्टमर एक बार लेने के बाद फिर से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। खाली भावनाओं में मत बहो कि समाज की बात है, समाज की बात है, समाज की बात है, ऐसे समाज की बात करते करते कुछ लोग आपको ठग लेंगे। उनसे खुद पूछो वो कितने सामाजिक हैं, आपको तो सामाजिक बना रहे हैं लेकिन खुद कितने सामाजिक है ये भी तो जानना जरूरी है, या जरूरी नहीं है बताइए, कमेंट करिए बताइए मुझे। तो लोगों के साथ जुड़ने से पहले उनका बैकग्राउंड, वो करते क्या थे। बहुत सारे लोग हैं आज जो है बड़े बड़े मंच लगा करके बोलते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे समाज का भला होगा, रोजगार मिलेगा। उनसे पूछो कितने लोगों को दिया भाई, जरा बताओ यार हमें। तो अगर आपको बिजनेस में फेल नहीं होना है तो इन सब चीजों की, उनकी टर्नओवर देखिए, वैल्यूएशन क्या है, बिजनेस कितना है, टर्नओवर कितना है, प्रोडक्ट क्या है, बता रहे हैं हम हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनसे देखिए कि उनके पास हजारों प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है तो वो कितने प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं या थर्ड पार्टी से तो असेंबल नहीं कर रहे हैं। अगर
थर्ड पार्टी से असेंबल कर रहे हैं और आपको पकड़ा रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए कि हमारे पास चार प्रोडक्ट, बाकी भैया थर्ड पार्टी से लेकर के आपको डिलीवर करेंगे। साफ बताना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम खुद बनाते हैं, ये गलत है। आप लोग गुमराह मत होइए, सामाजिक भावनाओं में मत बहिए, ये कुछ सवाल है, ये सवाल उनसे जरूर करिए। फैक्ट्री की पहले आपको विजिट करना है, नंबर एक जो ओनर हैं उन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में जानिए, वो खुद नहीं बताएंगे कि उन्होंने कितने गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं, वो नहीं बताएंगे, आसपास के लोगों से आपको जानकारी मिलेगी। फिर तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, कितने प्रोडक्ट हैं, खुद बनाते हैं कि थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को लेकर के खुद पहले इस्तेमाल करिए, एक प्रोडक्ट दो चार पाँच जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए, उसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट देखने के बाद फिर जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी, उसकी एमआरपी, फिर उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसके माध्यम से बिजनेस करो, उसकी क्वालिटी और उसकी एमआरपी क्या है, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलिए, समझिए उसको बराबर है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, वो सब आप लोगों को समझना पड़ेगा, तब आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे बिजनेस फेल हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है, इसलिए बहुजनों के बिजनेस फेल हो जाते हैं। एक महीना चलते हैं, दो महीना चलते हैं, छः महीना चलते हैं, एक साल चलते हैं, खत्म, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड, क्या फायदा ऐसी काम को करने का जिसको छः महीने करना और फिर बंद करना हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है, उनसे पता करिए भाई कितने लोगों को दिए, और दिए हैं तो कुछ लोगों का नंबर मुझको दो तो जरा मैं बात करूं, देखिए फिर कितने नंबर आपको मिलते हैं। तो सिर्फ लूटने का प्रोग्राम चला हुआ है, इससे आप लोगों को सावधान रहना है, ऐसा नहीं है कि सब लोग लूटने वाले हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों को उन बुरे लोगों में से निकाल करके परखना होगा, समझना होगा, तब जुड़िए, ऐसे पैसा किसी को मत दीजिए और देना भी नहीं चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और यार इस वीडियो को जो है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके देना, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सही हैं या गलत है या उनमें और क्या हो सकता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार अगर इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और लेकर के आऊँगा, बिजनेस की टिप्स आप लोगों को देंगे कि बिजनेस में आपको फेल नहीं होना है, बिजनेस में अगर किसी के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है और क्यों जुड़ना है, सब चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस लाल बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, कैसे दबाना है मुझे नहीं पता लेकिन दब जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।